आज हम मैं आपको सादा ब्लाउज का कटिंग बताने जा रही हूँ। ये मैंने ब्लाउज का पीस ली हूँ, इसको इस तरह से रख लेंगे। ये मैंने 36 इंची का ब्लाउज काटने जा रही हूँ। इसकी लंबाई लेंगे 15 इंच। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 5.5 इंच। इसको इस तरह से मिला देंगे। ये मैंने गला की लंबाई ले लेंगे 2 इंच। गला की लंबाई नीचे 9.5 इंची है मेरा माप में, इसलिए मैंने 9.5 इंची लेंगे। इस तरह से नीचे 2.5 इंची ले लेंगे। इस तरह से मिला देंगे। इसको हल्का सा गुलाई कर देंगे। ये 2 इंची मैंने गला ली, इसको 3 इंची शोल्डर रख लेंगे। आर्म होल की लंबाई मैंने 6 इंची ले लेंगे। ये 36 का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसका 1/4 लेंगे। तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंची, इसलिए 9 इंची मैंने इसको 36 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए 1/4 लेंगे, 36 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 9 हुआ, इसलिए 9 इंची मैंने यहाँ ले ली हूँ। इस तरह से 9 इंची और 2 इंची एक्स्ट्रा मैं लूँगी सिलाई के लिए, जो ब्लाउज के अंदर कपड़ा रहता है इसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। मेरा फिटिंग माप यहाँ 9 इंची आएगा, एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेंगे वो अंदर रहेगा। इसको इस तरह से मिला देंगे। इसको मैंने 1.5 इंची लेकर गोलाई किया जाता है। इस तरह से हल्का हल्का धीरे धीरे गोलाई कर देंगे। नीचे कमर की लंबाई मेरा 16 इंची है, इसलिए चौथा हिस्सा हुआ। मेरा कमर की लंबाई 32 इंची है, इसका चौथा हिस्सा 8 इंची लूंगी। फिटिंग माप हो जाएगा 8 इंची और 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंची ये फिटिंग माप हुआ 8 इंची और 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको इस तरह से ऊपर और नीचे मिलाकर मिला देंगे। ये मेरा फिटिंग माप हो जाएगा और मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रह जाएगा, इसलिए इसको भी इस तरह से मिला देंगे। और मैं
काट लूंगी। ये मैंने बैक साइड काट कर निकाल ली हूँ। अब मैं फ्रंट साइड आगे की भाग काटने जा रही हूँ। मैं आपको आगे की भाग काट के दिखा रही हूँ एकदम सरल तरीके से। इसको क्या करेंगे, पीछे वाला जो भाग मैंने काटी हूँ इसको इस तरह से केवल इसके ऊपर रख देना है। एकदम आसान विधि से मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर मैंने रख दी हूँ। कैसे ब्लाउज के पीस में से आपको ब्लाउज काट के निकालना है, इसलिए मैं आसान तरीके से बता रही हूँ। ये मैंने जो फ्रंट साइड बैक साइड जो मैं काट के दिखाई थी उसको मैं इस तरह से रख दी हूँ। इसको आधा इंच केवल, ये जो आर्म होल है ये चुन्ना देने के लिए, जो यहाँ चुन्ना पड़ेगा इसके लिए बस आधा सा इंच कपड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि चुन्ना देंगे तो ये कम ना हो। नीचे के साइड भी चुनना पड़ेगा इसलिए नीचे भी हल्का सा ज़्यादा रखेंगे, आधा इंच ज़्यादा नहीं रखेंगे, केवल आधा इंच ही रखेंगे। अब इसको मैं इस तरह से मार्क लगाते जाऊंगी। एकदम सिंपल विधि से, एकदम आसान तरीका से बता रही हूँ। आप पेपर में काट कर भी देख सकते हैं, शुरू बार कोई गलती होगा तो पेपर में होगा। सिर्फ गला का यहाँ जो होगा इसकी लंबाई, जो बैक साइड में गला ज़्यादा लंबा रहता है आगे वाला साइड में कम रहता है, तो मैंने 2 इंची जो गला ली थी मेरा साइज में 6 इंची गला है, इसलिए मैंने 6 इंची पर निशान लगा दी हूँ। इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा ली हूँ। अब इसको हल्का सा इस तरह से गला का गोलाई दे देंगे। अब मैं इसको उठा लूंगी। ये मेरा जिस तरह से पीछे काटे थे उसी हिसाब से मैंने आगे रखकर केवल आधा इंची बढ़ा दी हूँ, आर्म होल की तरफ और नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, इसको अब इसको केवल चुन्ना देना है। इसको चुन्ना हम किस तरह से देंगे, ये मेरा जो आर्म है इसको मैंने 1.5 इंची के निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ। इसके नीचे की तरफ मैंने 10 इंची ले लूंगी। चुन्ना लगाने का आसान विधि है, तुम बता रहे 10 इंची ऊपर से ले ली, फिर इसको मैंने केवल 1 इंची छोड़कर इसको नीचे लाइन खींच देंगे। अब मेरा चुन्ना इस तरफ लगेगा, इस तरफ मैं किस तरह से लगाऊंगी, ये जो लंबाई है इसका आधा पर मैं लगाऊंगी, तो यहाँ मेरा लंबाई आ जाता है 10 इंची। इसको मैंने इस तरह से, यहाँ मेरा 5 इंची आता है तो ऊपर से मैंने 5 इंची ले लूंगी। यहाँ पर मेरा आया, यहाँ से मैंने ये जो मैं मुख बिंदु दी हूँ इससे 1 इंची छोड़कर यहाँ पर मैंने इसे चुन्ना के लिए निशान लगा दूंगी। इधर से मेरा आता है 10 इंची, इसका आधा हुआ 5 इंची,
5 इंची से इसका थोड़ा सा की साइड में 1.5 इंची तिरछा करके चुनना लगता है, इसलिए मैंने यहाँ निशान लगाए हैं। अब इसको ये जो मैं प्लस का चिन्ह दी हूँ इस तरह से 1 इंची छोड़कर यहाँ मेरा निशान आया, फिर यहाँ से मैंने इस तरह से लाइन खींच दी, 3 चुन्ना तैयार हो गया मेरा। चौथा चुन्ना ये आर्म होल की तरफ लगता है, इसको केवल इस तरह से मिलान कर देंगे, ये जो मुख बिंदु है इसको से इस तरह से तिरछा चुन्ना लग जाता है। इसको भी मैंने 1 इंची छोड़कर यहाँ पर निशान लगा दी हूँ। अब इसको इस तरह से आर्म होल की तरफ मिला दूंगी। ये मेरा चुन्ना बनकर तैयार हो गया है। इसको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चुन्ना लगता है तो इसको मैंने 1/2 इंची इस तरफ से ले लेंगे यहाँ पर, और 1/2 इंची इस तरफ से, 1 इंची का चुन्ना नीचे लगता है ताकि कटोरी ठीक से बैठ सके। इसको मैं इस तरह से मिला दूंगी ताकि चुन्ना लगाने में दिक्कत ना हो। ये साइड मेरा हल्का हल्का चुन्ना लगेगा, हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे 1/2 इंची के, इसी से चुन्ना लग जाता है। केवल यहाँ नीचे वाला साइड में 1 इंची का चुन्ना लगता है, मेन पॉइंट यही चुन्ना लगाने का होता है ताकि कटोरी ठीक से आ सके। ये मैं बाह निकाल रही हूँ, ये 36 इंची का ब्लाउज है, इसलिए मैं चेस्ट के अनुसार इसकी भी लंबाई ली जाती है, तो मैंने 9 इंची की लंबाई ली हूँ। और इधर मेरा बाह की लंबाई 6 इंची था इसलिए मैंने 6 इंची यहाँ दी हूँ। 6 इंची लेकर मैं 1/2 इंची यहाँ पर लेकर इस तरह से गुलाई कर दी हूँ, बाँह की गुलाई कर दी हूँ। मैं 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा ली हूँ सिलाई के लिए, ये मेरा 6 इंची कपड़ा ये फिटिंग बाय आएगा। अब इसको इस तरह से काट देंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।